हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट टू। जो पार्ट वन था उसके अंदर अपने क्वेश्चन 1 to 10 किए थे, और आज की वीडियो के अंदर अपने 11th और 12th कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए, जब भी ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 × x ये हो जाएगा आपके पास 3x, 3 × y -3y, क्योंकि साइन माइनस का तो एज इट इज हम लिख देंगे। प्लस का 2 × x ये हो जाएगा आपके पास +2x, एंड प्लस का 2 × 3 ये होता है आपके पास 6y। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, 3x प्लस 2x -3y प्लस 6y, प्लस का 3 प्लस का 2 ये हो गया आपके पास 5x, माइनस का 3 प्लस का 6 ये हो गया माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3y, एंड योर आंसर इज 5x प्लस 3y। ठीक है, पार्ट ए का आंसर आ गया 5x प्लस 3y। बात करते हैं बी की। तो यहाँ पे देखिए, -3 को मल्टीप्लाई करना है, तो -(+) क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा -3x, -(+) अगेन -6, 3 × 2 6, प्लस 5 × x 5x, एंड 5 × 3 होता है आपके पास 15। ठीक है, +(-) माइनस, एंड +2x। अब इस केस के अंदर क्या करेंगे, जो आपके लाइक टर्म्स उसको एक तरफ ले आते हैं, -3x प्लस 5x एंड प्लस 2x -6 -15। तो देखिए, माइनस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 5 + 2 हो गया आपके पास 7, ये हो गया -3x प्लस 7x, -6 एंड -15 ये हो गया आपके पास माइनस का 21। तो प्लस का 7 माइनस का 3 प्लस 4x -21 इज योर आंसर फॉर पार्ट बी स्टूडेंट्स। बात करते हैं पार्ट सी की। तो अब यहाँ पर देखिए, 2 × a। अब देखिए क्या होता है, जब भी आप अगर अपने बात करें a × a की, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 2a × a का, तो इसको तो थोड़ा सा एक्सपेंशन में लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा, 2a × a प्लस 2a × b माइनस 3b × 2b -(-3b)×a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 2a × a 2a² प्लस 2ab। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब यहाँ से देखिए, -(+) -3 × 2 6 b × b b² -(+) और यहाँ पर 3 × a 3 a एंड b। तो यहाँ पर देखिए, लाइक टर्म जो है आपको दिख रही है, ये तो हो गया 2a² -6b² +2ab+3ab। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एडिशन कर देंगे, 2 + 3 5, सो 2a² -6b² +5ab, एंड दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट सी स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा ध्यान रख क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस के अंदर सिंबल सही होने चाहिए, और कैलकुलेशन आप थोड़ा सा इजीली करें ताकि आपसे गलती नहीं हो। ठीक है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 × m × m m² तो 4m², 4 × 2 8 mn, -(+) हो जाएगा आपके पास -3 × 2 होता है 6 mn, 3 × 1 देखिए -(−) हो जाएगा आपके पास +3 × 1 3 n × n n² तो यहाँ पर देखिए फर्दर इसको सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4m², 8 mn प्लस का माइनस का 6 आपके पास बचेगा +2 mn एंड +3 n². फाइनली योर आंसर इज 4m² प्लस 2 mn
प्लस थ्री एन स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करते हैं ई की, तो ई के केस के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, इसको अपने सॉल्व कर देते हैं। देखिए एज इट इज इसको बाहर लिख लेते हैं हम, ए क्यूब माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस एट ए माइनस एट। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो मल्टीप्लाई करके सारे साइन चेंज कर देगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए, माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री ए क्यूब एंड माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस टू ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन आपकी भी साइन देगी, जो यहाँ पर अगर अपने बात करें माइनस का साइन होता है गुंडा, ये क्या करता है अगले बंदे को चेंज कर देता है ना, और लेकिन प्लस का जो साइन है वो क्या है शरीफ है बिल्कुल, ये किसी को भी नहीं छेड़ता, तो एज इट इज़ रहने देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री ए माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए क्यूब, ठीक है। तो सिंपली इसको हमने लिख दिया है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखिए जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम एक तरफ लेके आते हैं। सबसे पहले तो देखिए ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब एंड ये हो गया आपके पास ए क्यूब, लिख देते हैं एक पास ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब प्लस सिक्स ए क्यूब। उसके बाद बात करें ए स्क्वायर की, फाइव ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर एंड फोर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव ए स्क्वायर एंड प्लस टू ए स्क्वायर एंड माइनस फोर ए स्क्वायर। उसके बाद एट ए की बात करें, एट ए टू ए एंड थ्री ए, सो प्लस का एट ए, उसके बाद क्या है प्लस का टू ए एंड प्लस का थ्री ए, ठीक है। और फाइनली आपके पास बच गए जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, क्या है माइनस एट प्लस सिक्स एंड प्लस टू। साइन अपने टैली कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस का है, माइनस का थ्री ए क्यूब है, प्लस का सिक्स ए क्यूब है, ठीक है। माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर एंड माइनस फोर ए स्क्वायर, एट ए प्लस का टू ए प्लस का, ठीक है, एंड थ्री ए प्लस का, माइनस का एट प्लस का सिक्स प्लस का टू, ठीक है। इन केसेस के अंदर हमेशा आपको ध्यान क्या रखना होता है, आपको ध्यान रखना होता है साइंस कभी गलत नहीं रहे। देखिए आपने लास्ट क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें मेरे साइंस थोड़े से गलत हो गए थे, तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो गया, तो सिंपली आपको ध्यान यही रखना है। तो ए क्यूब प्लस सिक्स ए क्यूब, ये हो गया सेवन ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब, और यहाँ पर देखिए दोनों दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर देंगे माइनस फाइव एंड माइनस फोर, ये हो गया माइनस नाइन ए स्क्वायर, एंड देखिए ए और नाइन एक जैसे लग रहे हैं तो ये हो गया नाइन ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए तीनों के तीनों प्लस हैं, सिंपली ऐड कर देंगे एट प्लस टू टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन प्लस थर्टीन ए, और यहाँ पर देखिए माइनस का एट एंड प्लस का एट, सिक्स प्लस टू एट, तो माइनस के एट से प्लस का एट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर देखिए सेवन ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब, ये आ गया आपके पास फोर ए क्यूब, माइनस का नाइन प्लस का टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस सेवन ए स्क्वायर प्लस थर्टीन ए, एट से एट कैंसिल हो चुका है, तो आपका आंसर जो है आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, फोर ए क्यूब माइनस सेवन ए स्क्वायर प्लस थर्टीन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एफ, इलेवेंथ का लास्ट पार्ट है ये, इसे भी अपने कर देते हैं। देखिए सिंपली थ्री ए माइनस फाइव बी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस सिक्स ए, माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन सी, माइनस इंटू प्लस माइनस फोर सी, माइनस इंटू माइनस प्लस एट ए, ठीक है। प्लस का साइन है शरीफ है, कोई चेंजेस नहीं करेगा, टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी। सिंपली लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, थ्री ए देखिए लाइक टर्म्स ए की हो गई ये है ना, बी की और देखिए ये भी एक ही है ना। उसके बाद बात करें सी की, तो ये हो गई सी की एक दो और तीन, तो ए की बात करते हैं थ्री ए माइनस सिक्स ए, उसके बाद देखिए प्लस एट ए एंड प्लस टू ए, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं बी की, तो माइनस फाइव बी एंड प्लस थ्री बी। बात करें सी की, तो प्लस सेवन सी माइनस फोर सी एंड माइनस फोर सी। ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिशन वालों को पहले ऐड कर देते हैं, प्लस वालों को। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 ए, 13 ए माइनस 6 ए। एंड यहाँ पर देखिए माइनस का 5 प्लस का 3 बचेगा माइनस का 2b। एंड प्लस देखिए प्लस का 7c, माइनस एंड माइनस दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे तो -8c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 माइनस 6 होता है आपके पास 7a, -2b, माइनस का 8c प्लस का 7c आएगा माइनस का ओनली c। एंड फाइनली योर आंसर इज 7a -2b + c, सॉरी -c इज योर आंसर फॉर पार्ट एफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, तो चलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रैंगल विथ साइड्स दिस दिस दिस। आपको पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने ट्रैंगल की शेप बना देते हैं। देखिए ये ट्रैंगल है आपका ए बी एंड सी। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है इसकी जो साइड्स हैं, जो साइड्स हैं वो क्या हैं। एक तो है आपके पास 3z - 2x - y, सेकंड साइड है आपके पास 4x + y - 2z, और थर्ड साइड है आपके पास x + y + z। ठीक है, अब अगर अपने बात करें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो ऐड कर देते हैं सिंपली, ए बी है आपके पास 3z - 2x - y, प्लस बी सी है आपके पास x + y + z, प्लस ए सी है आपके पास 4x + y -2z। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। सिंपली इसको अपने एक्सप्रेशन को आउट करते हैं, 3x - 2x - y +x + y + z +4x + y एंड -2z। अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे आप, इसको अपने जो आपके क्या बोलते हैं उसको लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो जेड की एक तो ये हो गई, जेड ये हो गया, एक जेड ये हो गया। बात करें एक्स की, एक ये हो गया एक्स, एक ये हो गया एक्स। बात करें वाई की, एक वाई ये हो गया, वाई ये हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं, अपने एक्स से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए 4x - 2x एंड प्लस एक्स। उसके बाद बात करते हैं वाई की, -y + y + y। उसके बाद बात करते हैं जेड की, +3z + z - 2z। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4x + y ये हो गया आपके पास 5x - 2x, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, बचा सिर्फ वाई। उसके बाद 3z + z ये हो गया आपके पास 4z - 2z, तो 5x - 2x हो गया आपके पास 3x, प्लस वाई 4z - 2z आपके पास बचेगा 2z। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर है वो क्या है, 3x + y + 2z, एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट हो चुकी है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलेंगे, जिसके अंदर अपने करेंगे एक्सरसाइज 13.2। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।